स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि यदि खाना और पानी को निगलने में परेशानी हो रही हो तो ऐसे में क्या करें, इसके क्या लक्षण हैं और ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, निगलने में कठिनाई में ऐसा कभी कभी लगता है कि भोजन या पानी गले में फंस गया है या भोजन पेट में प्रवेश करने से पहले ही किसी जगह पर अटक कर रह गया है। इस समस्या को डिसफेगिया, खाना निकलने में दिक्कत, थूक निकलने में तकलीफ या पानी निकलने में परेशानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निगलने में कठिनाई, आसानी से खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ निगलने में असमर्थता होने पर ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, निगलने में कठिनाई के लिए डिसफेगिया एक चिकित्सीय नाम होता है। यह लक्षण हमेशा चिकित्सा की स्थिति का संकेत नहीं देता है। वास्तव में यह स्थिति अस्थायी हो सकती है और ये अक्सर आप अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि अपने आप ठीक नहीं होती है तो इसमें विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। यह मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम के विकार, टेंशन या चिंता या ऐसी ही किसी समस्या के कारण होता है जो आपके गले में, आपके पेट में आने वाली ट्यूब में हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। इसके लक्षणों में पहला है खांसी या गला बंद होना, या तो खाने के दौरान या बाद में हो सकता है ऐसा। खाने के दौरान या उसके बाद गले से आवाज़ आना, पीने या निगलने के बाद गले में सूजन होना, चबाने या खाने की गति कम होना, खाना खाने के बाद खांसी आना, निगलने के बाद हिचकी आना, निगलने के दौरान या बाद में छाती में असुविधा या ऐसा महसूस होना जिससे आप असहज लग रहे हों, अनचाहा वजन घटना भी इसमें शामिल है। इसके और भी गंभीर लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आइए घरेलू देखभाल के तरीके जानते हैं जिसके द्वारा आप इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले कुछ सावधानियां, उसके बाद कुछ इलाज। दोस्तों, भोजन को आराम से हमेशा खाना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। जब आप खाते हैं तो जितना संभव हो सके सीधा बैठना चाहिए, टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना चाहिए। हमेशा छोटे छोटे टुकड़े काट कर ही खाना चाहिए, बड़े टुकड़े खाने से बचना चाहिए। एक निवाला और काटने से पहले अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए और अपने भोजन को पहले निगल लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा निवाला मुंह में डालना चाहिए। यदि आपके चेहरे या मुंह का एक तरफ कमज़ोर है तो अपने मुंह के मजबूत भाग पर खाना चबाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पार्ट में दांत कमज़ोर होता है या दांत में दर्द होता है तो उस साइड से आपका खाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तरल पदार्थ के साथ ठोस पदार्थ को एक ही निवाले में नहीं मिलाना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। तरल पदार्थ के सिप्स के साथ ठोस धोने की कोशिश ना करें। खाना खाते समय बात एकदम नहीं करनी चाहिए और अपना ध्यान खाने पर ही केंद्रित रखना चाहिए, कहीं दूसरी ओर नहीं सोचना चाहिए। खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे तक सीधे जरूर बैठना चाहिए, चाहे तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। पहले अपने डॉक्टर या चिकित्सक से जांच के बिना पतले तरल पदार्थ नहीं पिएं। यदि आपको ऐसी समस्या हो गई है तो आप डॉक्टर को दिखाना उचित रहेगा। निगलने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए आपको किसी की आवश्यकता हो सकती है। यह देखभाल करने वाले और परिवार के सदस्यों से पूछने में भी मदद कर सकता है कि आप खाने या पीने के दौरान आपसे बात ना करें। इस प्रकार की आप बात उनको पहले से ही बता सकते हैं, जिससे कि वे लोग इसके लिए सावधान रहें कि खाना खाने के दौरान आपसे बातचीत ना करें। यदि ऐसी समस्या आपको बार बार होती है तो हो सकता है कि गले में आपके कोई परमानेंट दिक्कत हो, कोई गांठ निकल आई हो, तो ऐसे में चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर को दिखाकर जांच करा लें कि कहीं कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने गले के निगलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जो सावधानी और उपचार हमने आपको
बताए हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।